चैनल। तो टुडे आवर व्लॉग इज गोइंग टू बी द नाइट वॉक व्लॉग बिकॉज वी आर गोइंग टू वैष्णो देवी। दैट्स व्हाई वी नीड टू वॉक बिकॉज देयर इज वेरी विंटर एंड वी विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स टू क्लाइम ओवर द माउंटेन। So let's we go. So guys, I am not walking the roadside because there is very traffic. So that's why there is very pollution of cars. And see my mother and my father. Okay, and they both are walking. Or guys. और अगर आपको भी वैष्णो देवी जाना है तो मैं आपको बता दूं कि विंटर वेकेशन में आप जा सकते हैं, समर में भी जा सकते हैं, लेकिन विंटर में जो मज़ा आता है वो समर में नहीं आता क्योंकि विंटर में वापस बहुत स्नो पड़ते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और जैसे कि आपने मेरे देखे थे रेड टेप के शूज़ जो कि बहुत कम्फर्टेबल थे और वो ट्रैकिंग वे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा डार्क है कि लाइट भी नहीं जलती है। अगर जो थोड़ी सी लाइट आ रही है वो घरों की आ रही है एक्चुअली ना, ये बहुत है बहुत डार्क प्लेसेस लिए लोग अपनी लाइट जला कर रखते हैं। इवन मैं खुद नहीं दिख रहा हूँ, अगर ये मेरी मदर है तो गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डार्क है। और हेलो गाइस, जब हम वैष्णो देवी जाएंगे तो मैं उसका भी व्लॉग शेयर करूँगा, लेकिन अभी मैं वॉक का व्लॉग शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। और गाइस आप जान सकते हैं हमारी कॉलोनी बहुत बड़ी है, इसलिए देखो हम तो मैक्सिमम हम 6-5 राउंड लगाएंगे, लेकिन मैं 3 राउंड के बाद ही चले जाऊंगा क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है गाइस। लेकिन आप भी जानते हैं आप भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अगर इस टाइम हम वैष्णो देवी जब जाएंगे ना वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो होगी यार, मतलब मैंने गाइस जब मैंने उधर का टेम्परेचर चेक करा ना वो तो -1 degree था। तो गाइस लेकिन वहाँ पे कोई भी बीमार नहीं पड़ता है क्योंकि वहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद है। और आप देख सकते हैं ये पीछे एक वैन आती जाती रहती है हमारे कॉलोनी में नाइट में भी। और गाइस आप देख सकते हैं हम अपनी कॉलोनी में है, मेरी मदर भी है, फादर भी है। और गाइस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है, मेरे मुँह से लिटरली धुआं निकल रहा है आप देखिए। और गाइस लेकिन हम तब भी वॉक कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे फूफा जी जो कि मुझे ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं इनको फुल एंगल में। और गाइस आप देख सकते हैं कॉलोनी का व्यू, मतलब यार बहुत अच्छा है, नेचर भी अच्छा है, पूरे ब्यूटी भी अच्छी है। लेकिन कोई नहीं यार, मैं गिरा नहीं, अरे उठ गया, उठ गया, बहुत तेज लगी मेरे। हाँ भाई बहुत तेज, बहुत तेज लगी है। पहले तो मैं बजिया था लेकिन अब गया था। तो गाइस अभी हमारा आधा ही राउंड कंप्लीट हुआ है। और गाइस यहाँ पे हमारे कॉलोनी में गाइस स्ट्रीट डॉग भी है और थोड़े से पप्पी। और गाइस आप देखते हो यहाँ पे भी कितना ज्यादा डार्क है भाई, मतलब मैंने नहीं देखा यार। देखो एक और पप्पी है रहा, अगर आपको दिख रहा हो मैं फ्लैश लाइट लगा देता हूँ। गाइस देखिए रहा, इनकी मम्मी है, ये भी जो गाइस काले वाले वो उनकी मम्मी जो आपने पीछे देखी थी ना वो है। और जो अलग कलर के वो जो आपने अभी देखी थी ब्राउन कलर की उनकी मम्मी है। तो गाइस और पीछे बहुत सारा है उस साइड, लेकिन हम उधर जा नहीं रहे हैं, जल्दी से भाग भाग क्योंकि मैं बहुत पीछे था। मैं अपने मम्मी पापा के पास आ चुका हूँ, मैं आपको आसमान में दिखाऊंगा फुल्ली आसमान। आई होप यू आर इंजॉइंग। और गाइस आपको अब पता नहीं हमारा क्यों है
लेकिन बता नहीं क्यों है। और ये मेरे बाबा, बाय नमस्ते, बाय गाइस, मेरा व्लॉग एंड हो चुका है और मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय, कुछ नहीं, कई दिन में दिख रहे हो तुम, क्या बात है।